हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, उसके बाद वापस से स्टॉक जो है संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें बाइंग करना चाहिए या फिर अवॉइड, इस पर हम करेंगे चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है 210 रुपए पर। यह देखिएगा, हल्की की तेजी का स्टॉक जब भी गिर रहा है तो 210 रुपए के आसपास की गिरावट करता है। और ऊपर रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे लगभग लगभग 235 240 के बीच में यहां पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाई देता है। यहां पर जब भी स्टॉक गया, एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और यहां जो गिरावट हुई थी वो तो स्टॉक को 186 रुपए तक गिराती हुई हमें दिखाई देती। फिलहाल हम यहां पर कंसिडर करते हैं कि 210 के नीचे तक यहां से भी स्टॉक फिर से हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। ये देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 210 रुपए के आसपास यहाँ पर हल्का फुल्का कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक फिर जब ऊपर गया तो यहाँ पर फिर से लगभग लगभग 240 रुपए के आसपास जाने के बाद स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिलती है। और ये गिरावट सपोर्ट कहाँ जनरेट कर रही है, 210 पे। ये देखिएगा, यहाँ पर एक हल्की तेजी आई है और वापिस आप देखेंगे नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ आता है, 210 रुपए के आसपास फिर स्टॉक के अंदर आपको तेजी दिखती है। और इस तेजी के बाद जब भी स्टॉक गिर रहा है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें एक चीज दिखाई देती है कॉमनली कि नीचे की तरफ लगभग लगभग 210 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देता है। ये देखिएगा यहाँ पर, उसके अलावा आप यहाँ पर भी देखिएगा फिर से स्टॉक के अंदर यहाँ पर तेजी आई और ये तेजी स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के जाती है। और यहाँ से हम देखते हैं स्टॉक में गिरावट हुई और इस गिरावट के बाद आप देखेंगे फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ गया। कहाँ तक, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 3-4 दिन पुरानी बात, 240 के आसपास जैसे स्टॉक गया था यहाँ से आपको फिर गिरावट देखने को मिली है। तो अभी आपको यहाँ पर अलर्ट रहना होगा, ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, आपको यहां पर बाइंग नहीं करना। जिस फ्रेम के अंदर स्टॉक चल रहा है, या तो यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा 240 का तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, अन्यथा हमें यहां पर अभी अवॉइड करना है। क्योंकि वापस गिरावट जो हुई है वो गिरावट एक बार फिर से स्टॉक को नीचे की तरफ 210 तक लेकर के आ सकती है। ये देखिएगा, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद यदि स्टॉक में कोई आपको तेजी दिखाई देती है या कोई रिवर्सल दिखाई देता है तब आप यहां पर डेफिनेटली बाइंग करके ऊपर की तरफ एक बार फिर से 240 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। और यदि यहां पर 210 के आसपास बाइंग करेंगे तो बिना स्टॉप लॉस के एंट्री करेंगे थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की, जिससे आपको कोई भी लॉस यहां पर नहीं होने वाला। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, 210 के आसपास किसका बेस्ट बाइंग प्राइस है, बस लॉन्ग टर्म एंट्री करना होगी। क्योंकि स्टॉक नीचे जाता भी है तो 185 तक जाने के बाद भी स्टॉक हमें रिवर्सल देता हुआ दिखाई दिया, इसलिए मैंने आपको अवॉइड किया कि आपको स्टॉप लॉस यहां पर नहीं रखना है। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।